नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स में खेला गया टेस्ट मैच रोमांच से भरा हुआ था। मैच के पांचवें दिन जब टीम इंडिया बल्लेबाजी करने उतरी तो टीम इंडिया मुश्किलों में थी। पंत और ईशांत का विकेट गिर जाने के बाद टीम इंडिया पर भारी दबाव था, लेकिन इसके बाद शमी और बुमराह के बीच जबरदस्त पार्टनरशिप हुई और टीम ने न सिर्फ मैच में वापसी की बल्कि इंग्लैंड को 272 रनों का टारगेट दे दिया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम सिर्फ 120 रन बनाकर ढेर हो गई। इस मैच में इतने उतार चढ़ाव हुए जिसने हर एक क्रिकेट प्रेमी की एक समय सांसें रोक दी थी। खेल के आखिरी सेशन तक लग रहा था कि मैच कहीं ड्रॉ ना हो जाए, लेकिन टीम इंडिया गेंदबाजों ने दूसरी पारी में ऐसी गेंदबाजी की जिससे भारत को 151 रनों की बड़ी जीत मिल गई। इस टेस्ट मैच मोहम्मद सिराज ने शानदार गेंदबाजी की और मैच में 8 विकेट निकाले, दोनों ही पारियों में 4-4 विकेट लिया। मोहम्मद सिराज इस समय भारतीय क्रिकेट में होनहार गेंदबाज के तौर पर उभर रहे हैं। सिराज ने अपने छोटे से करियर में बड़ा नाम कमा लिया है और इंग्लैंड की धरती पर लॉर्ड्स में हुए दूसरे टेस्ट मुकाबले में दोनों पारियों में 8 विकेट चटकाए और भारत की जीत में अहम रोल अदा किया। विकेट लेने के बाद सिराज का जश्न मनाने का अंदाज भी काफी वायरल हुआ है। वैसे तो मुंह पर उंगली लगाकर जश्न मनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सिराज बार बार ऐसा कर रहे हैं और उनके अंदाज काफी लोकप्रिय हो रहे हैं। मोहम्मद सिराज हैदराबाद से ताल्लुक रखते हैं और वहां उनकी जिंदगी लार्जर देन लाइफ हो चुकी है। मोहम्मद सिराज के नए जश्न पर उनके पड़ोसियों ने मुंह पर उंगली रखे हुए सिराज का एक बड़ा सा कटआउट लगाया है। इस बड़े से कटआउट में मोहम्मद सिराज मुंह पर उंगली रखकर गुस्से में सबको चुप करने के लिए कह रहे हैं। भारत इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की सीरीज के दूसरे मैच में ऐतिहासिक जीत हासिल करने के बाद अब सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच 25 अगस्त से लीड्स के हेडिंगले मैदान पर खेला जाना है। लॉर्ड्स टेस्ट में 151 रनों की जीत हासिल करने के बाद भारतीय टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। सीरीज का पहला मैच ड्रॉ पर छूटा था। तीसरे टेस्ट में जहां टीम इंडिया की नज़र सीरीज में बढ़त बनाने की होगी, वहीं इंग्लैंड की नज़र सीरीज बराबर करने पर होगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।